अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। टुडे इज़ 30 जून 2020। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, the word ideology is French in origin. Is French in origin means the ideology word is based on of French. It is made up of two components, namely idea and logy. So these are the two components which come together becomes ideology. Ideology is a systematic body of concept, especially about life or culture. It is a systematic body concept, especially about life and culture. The means ideology means life or culture we are discussing over here. It could be the product of the great and influential minds. It could be the product of the great and influential mind. It means it is the mindset game. Okay. It could evolve as a result of divine guidance, and it could also evolve and could result a divine guidance. अब ये ऐसे समझ लें कि आइडियोलॉजी बेस्ड किस में कर रहा है, फ्रेंच बेस्ड, फ्रेंच वर्ड है ये। इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है आइडिया और दूसरा है लॉजी, और ये एक सिस्टमेटिक बॉडी का कॉन्सेप्ट है। इसमें स्पेशली किस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, जिंदगी और कल्चर। कल्चर मींस जैसे हमारा एक कल्चर है शलवार कमीज़, हमारे मुसलमान बींग अ मुस्लिम होने के हमारे दो त्यौहार आते हैं, हम वो त्यौहार मनाते हैं, तो हमारा एक कल्चर है। इसी तरीके से डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स हैं। अंग्रेज़ों का कल्चर अलग है, अमेरिकन्स का कल्चर अलग है, यूरोपियंस का कल्चर अलग है, इंडियंस का कल्चरल हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। रिजेम्बलेंस है लेकिन कल्चरल वाइज, लैंग्वेज वाइज, ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका, ये डिफरेंट है। ये क्या चीज़ कहलाती है, कल्चरल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये एक चीज़ का प्रोडक्ट है, जैसे आप समझ लें कि माइंड का है इसमें सारा गेम। अब आपको जैसे आजकल लड़के जैसे फैशनेबल हेयर कटिंग कराते हैं, तो ये एक माइंडसेट गेम है। एक ने कराया, जी मैं भी यही कराऊंगा, मैं भी यही कराऊंगा, मैं भी ये कराऊंगा, तो ये एक माइंडसेट गेम है। अब इस माइंडसेट गेम के साथ होता क्या है, ये इसकी इवॉल्वमेंट इतनी होती है, इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि ये किसी तरीके से डिवाइन गाइडेंस बन जाता है, यानी बहुत बड़ी रहनुमाई के लिए भी बन सकता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आइडियोलॉजी, और यही इसकी डेफिनेशन है जो आपको बुक में दी हुई है। आइडियोलॉजी इज जनरली यूज्ड इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, और इसको इंसान अपने, हर इंसान अपने हिसाब से सोच रखता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन लाइफ whose integral parts are assertions, theories and objectives of human life. ये human की ज़िंदगी के साथ एक उसका internal part है, और इसमें क्या है, theories हैं, practicals हैं, objectives हैं, human life गुजारने के। In a society, the individual should have common belief, custom, tradition and rituals. अब एक society में क्या होता है, एक आदमी, एक फर्द, एक इंसान, उसका क्या होता है, एक कॉमन बिलीफ होता है, ठीक है, किसी चीज़ पे यकीन, उसके अपने कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ उसके अपने होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा था, और कुछ होते हैं रिचुअल्स जो टाइम टू टाइम चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई जनरल आइडियोलॉजी के मायने। जनरल आइडियोलॉजी के मायने ये हो गया, क्या आइडियोलॉजी क्या है, फ्रेंच बेस्ड है, दो कंपोनेंट से बना हुआ है, आइडिया और लॉजी, एक सिस्टमैटिक बॉडी है
स्पेशलिटी अबाउट लाइफ एंड कल्चर के बारे में है, ठीक है ना। प्रोडक्ट किस चीज़ का बनता है, यानी इससे क्या चीज़ निकलती है, एक माइंड इन्फ्लुएंशियल निकलता है। आप किसी के दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं, या अपने दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग से जो चीज़ आपने सोची है उस पे लोग अमल दरामत करें, तो ये होती है इन्फ्लुएंशियल माइंड्स। और ये इवॉल्व हो जाता है एक रिजल्ट किस तरीके का, डिवाइन गाइडेंस की तरफ से। डिवाइन गाइडेंस बन जाती है, कोई रहनुमाई बन जाती है। जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए डिवाइन गाइडेंस किसकी थी, कायदे आज़म की थी। तो कायदे आज़म ने क्या किया, माइंड सेट बनाया लोगों का, ठीक है। उसमें लाइफ और कल्चर को डिस्कस किया उन्होंने। इस चीज़ को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा जी मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, ये दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग ज़िंदगी गुजारने के तर्ज हैं, दोनों के अलग अलग कल्चर्स हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इन्फ्लुएंशियल माइंड कैसे बनता है और डिवाइन गाइडेंस कैसे है विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ये एक फ़र्द, हर फर्द इसमें अलग अलग सोच रखता है और ये इंसान की ज़िंदगी के साथ एक इंटेग्रल पार्ट की तरह काम करती है, जिसमें लोगों की अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और अपनी एसर्शंस होती हैं ज़िंदगी गुजारने की। और सोसाइटी में क्या होता है, जो वाहिद फ़र्द होता है उसके पास क्या होता है, एक कॉमन बिलीफ, किसी चीज़ के ऊपर वो यकीन करता है, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशनल्स होते हैं जो हम बाप दादाओं से चलते हुए लेकर के आ रहे होते हैं, कुछ होते हैं रिचुअल्स जो हम सोसाइटी से सीखते जाते हैं और टाइम टू टाइम चेंज होता चला जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये आपने सवाल कॉपी में कर लेना है, डिफाइन आइडियोलॉजी और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। जो आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऊपर वाला जो पैरा है वो डेफिनेशन है इसकी, ठीक हो गया जी। थैंक यू क्लास।